फार्माटेक 45 और 60 देखते हैं भैया कौन जीतता है। दोनों सुपर मैक्स सीरीज का ट्रैक्टर है, तो हमको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा, उसके बारे में आप पूरी चर्चा होगी। तो इससे पहले जो हमारे नए किसान मित्र हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में वाली घंटी भी जरूर दबाएं। तो भैया दोनों अगर बात करें 45 और 60, तो दोनों तीन सिलेंडर का ट्रैक्टर है, और इसका अगर HP की बात करें तो ये 45 ये है 45 ही HP का है, और अगर उसका बात करें तो 50 HP का ट्रैक्टर है, जो कि गियर सेम मिलता है दोनों में। EPI रिडक्शन ट्रैक्टर है, गियर भी आपको सेम मिलता है, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स दोनों ट्रैक्टर में सेम मिलता है। इंजन CC की बात करें तो 60 में हमें मिलता है 3147 CC इंजन, जो कि 45 से अच्छा है। और अब वही हम अगर इसकी लाइट देखें तो लाइट बीच दोनों सेम मिल जाएगा, और क्लच भी आपको ऑप्शनल मिल जाता है, और इसमें लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाता है, दोनों में सेम है 1800 kg लिफ्ट कैपेसिटी है। वही हम अगर टोटल वेट की बात करें 45 ट्रैक्टर की, तो उसका टोटल वेट आता है 1865 kg, जो कि अच्छा है 1865 kg, और इसकी 1865 kg लिफ्ट कैपेसिटी भी दे रहा है। और इधर हम 60 का देखते हैं, तो इसमें देख सकते हैं 45 में सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है, और फार्माटेक 60 में हमको डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है। दोनों में प्लानेटरी गियर सिस्टम मिल जाता है, PTU रिवर्स भी मिल जाता है 540 रेटेड RPM के साथ। मैंने दोनों का सेपरेट वीडियो बनाया है, आप आई बटन में जाकर जरूर चेक करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करें, वहां से पूरा डिटेल जान ले, पूरा खंगाल ले किस तरह से है। ये देख सकते हैं इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है, जो कि 60 क्लासिक है, और इसमें ADGC टाइप का आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल मिल जाता है, दोनों में मिलता है, लेकिन 60 का काफ़ी अच्छा रहता है। और सीट की तो बात लाजवाब है भैया, फार्माटेक की सीट की तो बात ही अलग है, दोनों का काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिलेगा, दोनों में डिजिटल मीटर मिलेगा, क्लच आपको ऑप्शनल मिल जाएगा, और अगर 45 की बात करें तो हमको क्लच मिल जाता है, सामने क्लच मिले मतलब सामने गियर मिलता है, और 60 की बात करें तो हमको साइड गियर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा। फार्माटेक 45 में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइड गियर इसमें भी आ जाएगा, किसानों की मांग बहुत ज़्यादा है इसमें, जल्द ही इसमें भी ये फीचर आ जाएगा। और इसमें मीटर वीटर सब डिजिटल मिल जाता है, टायर भी आपको 14x28 के टायर मिलेगा, बाकी 60 में आपको ऑप्शनल मिलने वाला है 16 का टायर लग जाएगा उसमें, जो कि बड़ा टायर है उस हिसाब से। क्लच आपको डुअल सिंगल ऑप्शनल मिल जाएगा, एक कुछ दिन बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि डुअल क्लच आप आजकल ऑप्शनल हो गया, जरूरी हो गया, तो उस हिसाब से बंद ही कर देगा कुछ दिनों में। तो बस किसान मेरे वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में वाली घंटी भी जरूर दबाएं, और लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो हमारे अगले किसान मित्र के साथ शेयर भी कीजिए।